इस हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पे रैंक पुश कर रहे थे, और देखा मैंने इस लॉबी के अंदर बहुत सारे बंदे लेजेंड आया, बहुत सारे लेजेंड लोग आया, मतलब इसके साथ भी बॉस भी आया इसमें, और यहाँ पे ब्लू क्रिमिनल है साथ में, यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट आपको पता होगा, ब्लैक जर्सी बहुत रेयर है, मतलब बंदों को मिलता नहीं, और रिटर्न में भी आने का उसका बहुत कम चांस होता है। तो अगर बात करें तो उसको मैंने देखा तो उसको आया वगैरह दिखाया मैंने, लेकिन यहाँ पे गलती से मेरे से लोली इमोट हो गया। अब देखो मतलब बंदा यहाँ पे, यही नहीं यहाँ पे सभी यहाँ के मतलब झमेले यहाँ पे खड़े हो गए और सबके सब इमोट करने लगे। देख लो यहाँ पे सबके सब इमोट करने लगे भाई, मतलब क्या ही बोले। तो इनको आई थिंक पता था, मैं मतलब बैजेज भी मेरा शो हो रहा था ऊपर, तेज गेमिंग शो हो रहा था, तो मतलब यहाँ पे पता था कि इनको ये ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, और पता है कि ग्लोबल रीजन में है, तो भाई सबको कोई भी आराम से देख सकता है, पता कर सकता है कि आराम से रीजन में है बंदा। तो यहाँ पे भाई ये चीज़ तो मेरे को नॉर्मल लगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बस यहाँ पे देखता था कि लोबी के अंदर पहले ग्रैंड मास्टर वगैरह आया है, मतलब पहले नहीं करते थे पुश वगैरह, तो कोई ग्रैंड मास्टर आया या रीजन का बंदा आया तो उसको मारेंगे, या कोई यूट्यूबर भी आया तो उसको मारेंगे, घेर के मारेंगे, तो ऐसा सीन होता है भाई, सबके साथ होता है। लेकिन मेरे जो टीममेट थे भाई, उनका मतलब यह जलवा था कि क्या करेंगे भाई, अभी रुको रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तो भाई हम लोगों ने सोचा कि उनको मतलब पकड़ के तो मारना ही मारना है, और रिमोट दिखाना है, शो अप करना है उनके सामने भी, हम लोग भी रिमोट करना जानते हैं भाई। तो सिंपल सभी बंदे यहाँ पे मतलब गुस्से हो गए, पूरा पूरा गुस्सा हो गए, तो यहाँ पे सिंपल हम खोजने के चक्कर में उनके पड़ गए कि कहाँ कहाँ है बंदे। अब यहाँ पे हम उतरे तो भाई ये लोबी इतनी खतरनाक हो गई, मतलब उन बंदों को तो छोड़ो, यहाँ पे लोबी इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया, मतलब बोले तो बंदे यहाँ पे रिटर्न में आ रहे थे, मतलब अभी देख लो यहाँ पे 48 बंदे अलाइव है, यहाँ पे बंदे मतलब रिटर्न में आ रहे थे। ये सोच के हमने सोचा कि यहाँ पे ड्रम डैमेज ले लेते हैं, मतलब फ़ायदा करेगा, यहाँ पे डैमेज आपको पता होता है कि अगर रैंक पुश करते हो तो आप डैमेज ले लेते हो, तो आपको फ़ायदा होता है, मतलब आपका ज़्यादा प्लस होता है। तो ग्रेनेड किया लेकिन इस बंदे को पड़ा नहीं, क्योंकि ये पास में था नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पे फिर से डैमेज दिया गन से, तो इसको यहाँ पे डैमेज पड़ा और ये डाउन हो गया। तो डैमेज फाइनली मिल गया, बट अभी भी बंदे यहाँ पे देख लो 48 है, और यहाँ पे अभी बढ़ रहे थे, मतलब 50 चले गए थे भाई। चल झूठा, अब क्या हम लोग के सामने यहाँ पे दो चैलेंज हो गए, मतलब एक चैलेंज ये था कि मतलब उन बंदों को पकड़ना है, मारना है और उन्हें इमोट दिखाना है, पहला तो चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज ये था कि हमें कम से कम मतलब बोया मारना ही मारना है, अगर बोया नहीं मार पाए तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, किला जाना है, यहाँ पे बोया मारना कंपलसरी है भाई, क्योंकि बोया नहीं मारते हो तो यहाँ पे अच्छे खासे आपके प्लस नहीं होने वाले। तो यहाँ पे फाइनली हमने बहुत ज़्यादा स्किप किया, बहुत ज़्यादा ढूंढा, मतलब यहाँ पे बंदे देखो यहाँ पे अभी 49 हो चुके हैं, फिर से यहाँ पे 48 हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहे थे घट रहे थे बंदे, मतलब आपको पता है रिवाइव का यहाँ पे सीन है, तो बंदे यहाँ पे मरते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो ये सीन था। अब यहाँ पे बंदे मतलब तेज साइलेंट यहाँ पे देख रहे हो मार भी रहा है, तो यहाँ पे बंदे मिल भी रहे थे, एक दो मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे बंदे बहुत कम मिल रहे थे, देख रहे हो बहुत कम, और यहाँ पे जाके मतलब ऐसा लगे कि कुछ बंदे यहाँ पे साफ हुए, 43 बंदे यहाँ पे अलाइव बच गए। उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने भी कुछ बंदे थे, तो एक बंदा था जो कि मतलब मेरा पहला फर्स्ट किल यहाँ से, फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे और बंदे हो सकते हैं इसके टीममेट वगैरह, क्योंकि डाउन हुआ था, फिर यहाँ पे मेरे को एक बहुत कमाल का यहाँ पे फटका पड़ा। अब मेरे को लगा कि इसको भी मारना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो किल आ जाएंगे, और अपने बंदे तो ऐसे थे मतलब घूम घूम के मार रहे थे, और ऊपर से यहाँ पे अगर बंदे दिख रहे तो उनको मार ही देंगे, और इनको चाहिए किल भाई। यहाँ पे सभी के सभी ग्रैंड मास्टर पे थे, सभी यहाँ पे ग्लोबल रैंक पुश कर रहे थे, तो सबको यहाँ पे डैमेज, सबको किल चाहिए था। अब मेरे को यहाँ पे मिल गया कार 98, इतनी खुशी और भाई ये अटैचमेंट के साथ भी मिला था, तो मैंने कहा इसको ले लेते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास एक कार 98 से मजा नहीं आता, डबल होता तो यहाँ पे कुछ मजा आता। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये था गाइस, यहाँ पे कार 98 देख के तो भाई यहाँ पे खुशी आई, बट यहाँ पे फिर से लगा कि यहाँ पे कार 98 मतलब एक लेके सिंगल लेके नहीं चला सकते, डबल होता है तभी मजा आता है गाइस, ठीक नहीं। अब भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग आधा मैप पूरा खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पे बंदे अभी भी 40 बंदे अलाइव थे देख सकते हो, और बंदे मतलब मिल ही नहीं रहे थे, जो जिनको हमने टारगेट किया था, जिनको हमें मारना था। एक बंदा यहाँ पे जो वी ए स्टार था, ये करके मतलब एक बंदा था जो कि हमें को देखने को मिला, और शायद यही इमोट था जो कि किया था, तो लगा कि मतलब सबको इसी को टारगेट कर लिया था, अब वो था कि नहीं था ये कन्फर्म नहीं था, बट यहाँ पे बंदे जो भी देख रहे थे भाई, जिनको भी हम मार रहे थे, उनको मतलब ये सोच रहे थे, जाके देख रहे थे कि उसका ड्रेस कैसा है भाई, वही बंदा नहीं तो है, अगर होता था तो यहाँ पे इमोट वगैरह करते थे बंदे। क्या है मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खौल उठता है।
भाई बंदे थे बहुत, लेकिन यहाँ पे मिल कोई नहीं रहा था। मतलब देख लो, आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे बंदे बहुत कम मिल रहे थे, और जो भी मिल रहा था मतलब उसको मारना ही मारना है किसी भी तरीके से, और मार के यहाँ पे देखना है कि बंदा वो मतलब जो इमोट कर रहा था उनमें से कोई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे जब यहाँ पे एक बंदे को मार दिया तो सोचा कि इसको देख लेते हैं कहीं वही तो बंदा नहीं है, अगर होगा तो इमोट दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे इस पानी के अंदर इतना स्लो यहाँ पे जा रहा था जो भी यहाँ पे स्पीड था, और बाद में यहाँ पे मारने के बाद ही देखा कि ये बंदा वो नहीं था, तो फाइनली मतलब नॉर्मल जल्दी जल्दी मारा और आगे यहाँ पे बढ़ गया भाई। अरे दादा रे, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। नो 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 नो, अरे दादा रे, अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं। भाई किसी भी तरीके से बंदों को ढूंढ रहे थे, मार रहे थे। अभी भी स्टार जिंदा ही था जिसको हमने टारगेट किया था, और उसको तो मारना ही था भाई किसी भी तरीके से। जोन इतना छोटा हो चुका था, अभी 24 बंदे अलाइव थे। इसको मारने के बाद मैंने सोचा कि इसको चलो यहाँ पे मार देते हैं, लेकिन इसको फाइनली मतलब पीछे से मार दिया मेरे टीममेट ने, मतलब उसको ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा। तो इसको तो देख ही नहीं पाया कि ये था कौन। उसके बाद दूसरा एक बंदा था जिसको हमने टारगेट किया था, जिसका मतलब यहाँ पे जोन गेमिंग करके था। अच्छा, हमको सिखा दिया है। फिर क्या था, हमारी तलाश आगे बढ़ती गई, लेकिन यहाँ पे साइलेंट तो टपकाया जा रहा था भाई। यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहे थे बंदे, और यहाँ पे साइलेंट और फ्लैश मारे जा रहे थे। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया भाई, और यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश की। अब देखा तो यहाँ पे जोन गेमिंग भी खत्म हो चुका था। अब हमारे मतलब क्या ही बोले, कुछ भी मतलब देख सकते हो 75% लगभग 90% कह सकते हो यार, 80-90% यहाँ पे कह सकते हो पूरा जोन खत्म हो चुका है। और आई थिंक सेकंड लास्ट जोन अभी बना था, और इसमें भी बंदे यहाँ पे 17 अलाइव थे। तो फिर भी उम्मीद थी कि यहाँ पे मिल जाए भाई ब्लू क्रिमिनल मिल जाए, या ब्लैक टी शर्ट, या इसके साथ भी बहुत सपना मिल जाए, लेकिन भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। अरे दादा रे, अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं। फाइनली यहाँ पे वाइप आउट हो चुका था एक स्क्वाड, और अपना बंदा अभी भी मार रहा था, मतलब घूम घूम के बंदे मार रहे हैं, देख रहे हो चारों बंदे यहाँ पे फैल गए भाई। इनको चाहिए क्या, किल चाहिए, इनको डैमेज चाहिए भाई। तो अभी भी बंदे यहाँ पे 11 अलाइव थे, और इनमें भी उम्मीद था कि बचेगा। और भी ए स्टार जो था भाई देखो अभी भी मार रहा है, तो उसको तो मारना यहाँ पे अभी बच्चा था भाई, तो उसको सब मारने के लिए यहाँ पे मतलब आगे दौड़ रहे थे कि हम आगे जाएंगे। मतलब देख लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया, उसके नीचे यहाँ पे कूद गया, ये मतलब बहुत तेज बन रहा है ना, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आर यू कॉमेडी मी? अब मजाक बहुत हो चुका था, लेकिन सामने भी बंदा था, मतलब 10 बंदे अभी थे लगभग, मान लो कि यहाँ पे 3 से 3.5 यहाँ पे अलाइव थे बंदे जो भी स्कोर था, तो अभी भी यहाँ पे पढ़ रहे थे, अभी देख लो सामने से पढ़ रहे हैं। और बंदों के पास इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल था, इसका यूज आपको अभी देखने को मिलेगा। इस बंदे को मैंने डैमेज दिया, इसको मतलब मान लो कि खत्म ही कर दिया था। आप गेम प्ले एंजॉय करो पहले। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. दादा रे,
अब भाई फाइनली यहाँ पे लास्ट जोन था और यहाँ पे बस एक स्कोर्ट का डुगो बचा था, लेकिन यहाँ पे सामने वाले मतलब जो फ्लैश था कुछ खुला में ज़्यादा यहाँ पे उछल रहा था, उसको यहाँ पे डाउन कर दिया। अब देखो यहाँ पे पानी के अंदर इतना स्लो स्पीड था, साइलेंट इसको बचाने गया, मैंने यहाँ पे सोचा रस करके भाई यहाँ पे किल इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले जो बंदे थे वो भी ठीक ठाक थे, और जो मैंने बताया था वी स्टार वो भी बंदा यहाँ पे बचा हुआ था, और जिसको हमने टारगेट किया था वो यहाँ पे बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सामने से दो लगातार आ गया और क्रोनो यूज कर लिया भाई। अरे दादा रे, अरे बाप रे, नहीं 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 भाई यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं मार दूँ यहाँ पे, लेकिन बंदे यहाँ पे मार के निकल गए सामने, बट अपनी स्क्वाड यहाँ पे थी भाई कमाल की, और सामने वाले बंदे को मार के फाइनली बुया ले लिया। तो ये हमने मतलब सोचा कि इमोट दिखाएंगे, लेकिन इमोट तो लास्ट में दिखाई दिए, बट अपना बुया हो गया और अच्छे खासे किल के साथ हो गए, तो मतलब जो इमोट दिखाए थे उनको पता चल गया कि कैसे हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर वो सब्सक्राइब मार देना, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।